वेलकम बैक फ्रेंड्स, ब्यूटी विद ब्रेन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की खूबसूरत लेडी अनुकृति गुसाई की। अनुकृति ने न सिर्फ देश भर के कई ब्यूटी पेजेंट अपने नाम किए, बल्कि वो भारत को मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेगी। इस खूबसूरती के ताज को अपने नाम करने के लिए अनुकृति की तैयारियां जोरों पर है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल यदुवंशी ने। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, बस हौसले से उड़ान होती है। और अनुकृति की हौसले की उड़ान जो थी वो पहुंची देश तक और दुनिया तक। जी हाँ, अपने देश में उन्होंने अपनी खूबसूरती का लोहा तो मनवाया ही मनवाया, बल्कि अब वो भारत को मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने वाली है 31 मई को। तो चलिए अनुकृति इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि जानते हैं कि कितनी एक्साइटेड है वो अपने इस प्रेजेंट को लेकर। अनुकृति, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और एक्साइटमेंट के साथ साथ ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है, क्योंकि अपनी कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, बिकॉज आप इंटरनेशनली एक कंट्री का नाम लेके चलते हैं। वहां सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज के लिए मैं हमेशा से आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड इज टू वेयर इंडिया का सैश ओवर देयर। वहां पर लोग आपको आपके नाम से नहीं बल्कि आपके कंट्री से बुलाते हैं, एंड दैट इज वॉट इज मोर यू नो इट्स एक्साइटिंग मी मोर अबाउट द पेजेंट। एट द सेम टाइम I feel very very proud कि I got this opportunity to represent my country। बात मैं करूँ 1970 की, जिनत अमान ने इस पेजेंट को जीता। उसके बाद इस पेजेंट को जीतने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस की नहीं, दिया मिर्जा, और उसके बाद अब आप उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लगती है कि इतनी खूबसूरत जो आपकी हो सकता है जो भी हो, तो इतनी खूबसूरत जो लेडी है अब उसके बाद आप रिप्रेजेंट करने वाली है, सारे देश की निगाहें दुनिया की निगाहें आप पर होंगी। ऑफकोर्स यस, एक बहुत ज्यादा वही अभी मैंने मेंशन किया, एक एक्साइटमेंट के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपनी कंट्री को एक इंटरनेशनल है अब उसके बाद आप रिप्रेजेंट करने वाली है, सारे देश की निगाहें दुनिया की निगाहें आप पर होंगी। ऑफकोर्स यस, एक बहुत ज्यादा वही अभी मैंने मेंशन किया, एक एक्साइटमेंट के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपनी कंट्री को एक इंटरनेशनल फेम दिलाना, और होपफुली अगर वो क्राउन हम इंडिया वापस ला सकते हैं तो इट्स ए वेरी ग्लोरी आई गेस कंट्री के लिए बहुत कम होती है, बिकॉज इंटरनेशनल पेजेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ समबडी विंस अ इंटरनेशनल पेजेंट एंड दे ब्रिंग बैक द क्राउन टू द कंट्री, डेफिनेटली दे यू नो समहाउ कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट इन द ग्लोरी ऑफ द कंट्री। जब क्राउन की बात आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है, जैसे कि नेम फेम साथ। ये फेम कहाँ पर जाकर एंड होने वाली है, क्या बॉलीवुड? ऑफकोर्स बॉलीवुड हमेशा से बहुत ही फ्लैशी वर्ल्ड है और बहुत ज्यादा मुझे फैसिनेट भी करता है, बट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड, अगर एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मुझे क्लिक करती है या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आई वुड लव टू टेक इट। ब्यूटी पेजेंट आपने बहुत सारे जीते हुए हैं, मैं अगर नाम लूंगा तो मैं सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी लेकिन फिर भी इतने सारे ब्यूटी पेजेंट जीतने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहां से मिली, किस तरह से ये शुरुआत हुई, और दर्शकों को जरूर बताइए। 2013 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड आई एंटर्ड इनटू द पेजेंट वर्ल्ड, एंड नाउ इन 2014 आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री इंटरनेशनली। तो मुझे लगता है कि ये सब शायद मेरे लिए डिजाइन था, और ऑफकोर्स गॉड फेवर्स इट आई गेस। अनुकृति, आप क्या मानती है कि खूबसूरती को एक अलग पहचान दिलाता है बॉलीवुड? मुझे लगता है कि खूबसूरती यू नो ब्यूटी लाइज विद इन एंड इट इज इन द आई ऑफ बीहोल्डर, इट्स अ वेरी वेरी ट्रू फैक्ट। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स अगर अब हम बात करें तो बॉलीवुड से एक पहचान आपको और अच्छी मिलती है, बिकॉज बॉलीवुड इज अ फेम यू नो इंडिया इज मोर फेमस फॉर द बॉलीवुड। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, ब्यूटी पेजेंट्स भी एक ब्यूटी को एक दूसरा ही आयाम देते हैं, पहचान देते हैं। ऑफकोर्स एक नॉर्मल सी लड़की की जिंदगी यू नो इट टेक अ यू टर्न और वी शुड से अ बिगर टर्न, तो और अगर बॉलीवुड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑफकोर्स एक बिग अचीवमेंट। इसी के साथ एक छोटा सा परेशान करने वाला सवाल भी, वो ये कि बॉलीवुड की जब भी हम बात करते हैं तो एक्सपोज की बात जरूर होती है, और खासतौर पर जितनी फीमेल्स हैं या जितनी भी हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ एक्सपोज इस तरीके से जुड़ा हुआ कि अपनी इमेज से उसको हटा नहीं पाती है। अगर आप बॉलीवुड में जिस तरीके से स्टेप करेंगे तो आपके साथ भी प्रॉब्लम आने वाली है, तो किस तरीके से आपने प्लान किया है कि एक्सपोज की क्या लिमिटेशन तय की है या एक्सपोज को सही मानती है या नहीं? ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी बात करूं तो आई डू सेट फ्यू प्रायोरिटीज फॉर मी। मुझे लगता है कि अगर मैं कभी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करती हूं तो आई डू अ मूवी मोर रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज,
और दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट माय प्लान्स आर, लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन फॉर मी, कैसी चीज आती है। लेकिन अनुकृति, अगर हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो सबसे पहले ये बात आती है कि मैसेज ओरिएंटेड फिल्मों को दर्शक नकार देते हैं, तो ऐसे में आपको इस फ्लैशी वर्ल्ड के लिए एक्सपोज को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ब्यूटिफुल, यू नो, टू बी ब्यूटिफुल यू नीड नॉट टू बी एक्सपोज योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक मैसेज ओरिएंटेड या सोशल ओरिएंटेड मूवीज हो, तभी भी अगर उसमें एक एक्टिंग और जो भी हमारा जितना भी उसको उसको जो फिल्मोग्राफी है अगर अच्छी तरीके से की गई है, तो दर्शक जरूर उसे सराहेगा। किस तरीके से अपने करियर को डिजाइन करने वाली है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको देखते हैं और आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हैं, वो आपको फॉलो करके वो भी उस लेवल तक पहुंच सके जिसके लिए आप आगे जा रहे हैं कंटिन्यू। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा सबसे ज्यादा जरूरत है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की। अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना और उसकी एक ड्रीम्स देखना इट अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसे फॉलो करने के लिए उतना हार्डवर्क, उतना डेडिकेशन रखना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर वो डेडिकेशन हमारे अंदर है, अगर वो भूख हमारे अंदर है टू अचीव समथिंग, तो इट इज नथिंग डिफिकल्ट आई बिलीव।